आज मैं आपको द बाल पोयम एक्सप्लेन करूंगा जो क्लास 10 सीबीएसई में है और इसे फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है और इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। इस पोयम में दिखाया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को खो देता है, पहली बार खोता है कोई वस्तु, तो उसकी सोच कैसी होती है और फिर धीरे धीरे वो समझता है कि जीवन में पाना और खोना लगा रहता है। तो पोएम पे आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्या कुछ वीडियो में चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। What is the boy now? Who has lost his ball? What is he? यहाँ पे कभी एक लड़के के बारे में वर्णन कर रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। What is the boy now? अब उस लड़के की स्थिति क्या है? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। What is he to do? अब उसे क्या करना है? एक लड़का के बारे में बता रहा है जिसने अभी अभी गेंद खोई है, अब वह क्या करेगा, उसे क्या करना है? I saw it go merely bouncing down the street. मैंने देखा कि यह खुशी खुशी, merely मतलब खुशी खुशी, बाउंसिंग मतलब उछलते कूदते डाउन स्ट्रीट की तरफ गई। यह गेंद के लिए है। मैंने देखा कि गेंद खुशी खुशी उछलते कूदते स्ट्रीट से नीचे गई। एंड देन मेरली ओवर, और उसके बाद खुशी खुशी ही, देयर इट इज इन वाटर, उसके बाद खुशी खुशी ही वह जल में चली गई, जल स्रोत में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब उस लड़के को यह बताने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि अभी तो बहुत सी गेंदें हैं, क्योंकि लड़का बाल खोया है, तो उसको अगर समझाया जाए कि बहुत सी गेंदें हैं, परेशान मत हो, तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एस ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। परिणाम स्वरूप ये जो लड़का है दुख से कांप रहा है, दुख से हिल रहा है और बिल्कुल ढीण होके खड़ा है, एक जगह स्तब्ध होके खड़ा है, ट्रिम्बलिंग कांप रहा है और स्टेयरिंग डाउन नीचे की तरफ घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। यहाँ पे गेंद का मानवीकरण किया गया है, पर्सनिफिकेशन किया गया है। गेंद को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वह खड़ा खड़ा घूर रहा है कांपते हुए और सोच रहा है कि गेंद के जो जवानी के दिन थे या गेंद जवानी में ही पानी में चली गई, समुद्र में चली गई। हिज यंग डेज से मतलब है कि गेंद के नए दिन, मतलब गेंद की तो भी नई ही थी। तो यहाँ पे गेंद का मानवीकरण किया गया है, तो गेंद अभी नई ही थी कि गेंद समुद्र में चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना। कभी यहाँ कह रहा है कि मैं उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ या देख रहा था कि गेंद कैसे पानी में गई और लड़का क्या कुछ सोच रहा है, क्या कुछ कर रहा है, पर मैं कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस।
डाइम का मतलब होता है सिक्का, सिक्का से मतलब या धन से है, पैसे से है, पैसा या फिर एक दूसरी गेद, ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, वर्थलेस मतलब व्यर्थ व्यर्थ हैं। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, दखल नहीं दूंगा, मतलब उसे बताने या देने का प्रयास नहीं करूँगा कि पैसा या दूसरी गेद, क्योंकि ये चीज़ें व्यर्थ हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ड ऑफ पोजेशन। अब वह लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है, और यह जिम्मेदारी कैसी है? इन ए वर्ड ऑफ पोजेशन, ये जिम्मेदारी दुनिया में जो पोजेशन की से लेके जो जिम्मेदारी होती है, पोजेशन से मतलब कि यह चीज़ मेरी है, यह संपत्ति मेरी है, तो इस संसार में जो अपना अधिकार जमाने वाली संसार में वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाई ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। लोग बाल लेते हैं और बाल हमेशा ही खो जाती है। छोटे लड़के बाल या गेंद लोग खरीदते हैं, लेते हैं और बाल हमेशा ही खो जाती है। एंड नो वन बाई ए बाल बैक, और कोई भी फिर से उस खोई हुई बाल को, खोई हुई गेंद को नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा अलग बात है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। वह इन बातों को अपनी असहाय आंखों से देखते हुए अपने दिमाग में सोच रहा है, समझ रहा है। दी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान, समझ। तो एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान की समझ। नुकसान की समझ से मतलब है कि जीवन में नुकसान होता है, जीवन है तो उसमें ऐसे पलाते हैं जब हम नुकसान को झेलते हैं, हानि को झेलते हैं, तो नुकसान की समझ उसे हो रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कैसे फिर से उभरते हैं नुकसान झेलने के बाद। किसी दिन या एक न एक दिन हर व्यक्ति को सीखना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में नुकसान हानियाँ होती हैं, और फिर उन नुकसान और हानियों से कैसे उबरा जाता है यह सीखना पड़ता है। ये बातें वो लड़का समझ रहा है, सोच रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत से लोग बहुत दिनों में यह चीज़ जानते हैं कि दोबारा फिर से कैसे उबरना है। लोग इस चीज़ को एक दिन जानते ही हैं कि जीवन में नुकसान होता है और उससे उबरना पड़ता है। कुछ लोग इसको बहुत से दिनों में जानते हैं कि कैसे नुकसान से उबरा जाए और कैसे फिर से शुरू किया जाए।